हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस हेल्पिंग फॉरएवर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऑनलाइन अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। तो गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गाइस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद गाइज, जैसे ही आप उसको ओपन कीजिएगा तो गाइज आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें जो भी परमिशन मांगेगा गाइज उसको अलाउ करना है, हर एक परमिशन को अलाउ करना है गाइज। इसको अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा गाइज। इसमें तो एक सेकेंड वेट कर लेना है गाइज, फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपका लोकेशन का परमिशन मांग रहा है गाइज, इसमें भी अलाउ ऑल द टाइम या जो भी मर्जी वन नंबर या सेकंड नंबर जो भी हो आप कर दीजिए। उसके बाद गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा गाइज। इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं लॉग इन नो पे लिखा है, तो गाइज उस पर नहीं करना है क्योंकि आपको न्यू अकाउंट ओपन कराना है। तो गाइज आपको यहाँ उसके नीचे देख रहा है न्यू टू IPPB, तो गाइज यहीं पर ओपन योर अकाउंट नो पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा गाइज। सबसे ऊपर आपका जो है मोबाइल नंबर मांग रहा है गाइज। अभी आप जो मोबाइल नंबर यहाँ देंगे यही मोबाइल नंबर आपका अकाउंट से लिंक हो जाएगा। एंड देन गाइज आप नीचे पैन नंबर डाल दीजिए। जैसे ही आप पैन नंबर डाल के आप कंटिन्यू कीजिएगा गाइज, तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। OTP को आप आने के बाद इसको यहाँ पे डाल दीजिए और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद गाइज आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा गाइज। इसमें आपको करना क्या है, आपके आधार कार्ड को स्कैन करना है या फिर आधार नंबर डाल के भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप आधार के OTP को वेरीफाई कर लीजिएगा गाइज, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं चार पांच ऑप्शन है, चारों पांच ऑप्शन को आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे गाइज, इसमें आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे एड्रेस और फादर नेम मदर नेम फिल करना है गाइज। एंड सेकेंड नंबर पर आएंगे गाइज, यहाँ पर लिखा है पैन नंबर एंड कम्युनिकेशनल एड्रेस। तो गाइज इसमें जो भी आपका पेन का डिटेल्स है गाइज उसको भर लेना है। अगर आप सब कुछ सही है तो वहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद गाइज आप थर्ड नंबर पे आएंगे, नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स में गाइज आपको नॉमिनी देना है। नॉमिनी जिसको भी देना है गाइज, उनका एज कम अज़ कम 10 ईयर होना चाहिए, अदरवाइज आप उससे अधिक के एज के आदमी को भी दे सकते हो। सो गाइज उसमें आप उनका नाम भर दीजिए, उसके बाद गाइज उसका डेट ऑफ बर्थ भरना है, उसके बाद गाइज उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो भरना है। और गाइज लास्ट चौथा नंबर पे आप आएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गाइज, यहाँ पे आपको क्या भरना है गाइज। इसमें आप मैरिड अनमेरिड जो भी वो भर लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी वो भर लीजिए, आपकी एनुअल इनकम क्या है गाइज उसको भर दीजिए। एंड गाइज जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो गाइज अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गाइज क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे आप सबसे पहले रिक्वायर एन अकाउंट स्टेटमेंट है गाइज, इसमें आपको एस करना है। उसके बाद गाइज उसके नीचे देख रहे हैं आप मोड ऑफ अकाउंट, तो गाइज इसमें आपको क्या करना है ऑनलाइन कर देना है। उसके बाद गाइज DBT मैपिंग है, इसमें DBT मैपिंग को करने के मैं इसमें नो कर दीजिए गाइज, या आपको अगर अपना DBT यानी गवर्नमेंट कोई भी पैसा देती है उसको आपको इसी अकाउंट में लेना है, तो उसमें DBT में एस कर दीजिए। एंड गाइज जब इस सबको फिल कर लीजिए उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा गाइज, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें देख रहे होंगे पाँचों में ब्लू कलर का टिक लगा होगा कि हाँ आपने ये भर लिया। उसके बाद गाइज आप कंटिन्यू कीजिए तो आपके पास आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आप उसको सबको स्क्रॉल करके भर लीजिए गाइज, अगर आपको कहीं गलत है तो इसको एडिट कर दीजिए, अदरवाइज अगर गलत नहीं है तो गाइज इसको आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद गाइज आपका मोबाइल में एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ फिल कर दीजिए। अगर OTP फिल करने के बाद गाइज आपका अगर सभी डिटेल्स सही है तो गाइज आपका अकाउंट नंबर क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे गाइज शो हो रहा है यहाँ पे मेरा अकाउंट खुल चुका है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।